खबर रायपुर से ही देखेंगे, जहां एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर धरना दिया जा चुका है। बता दें कि नियुक्ति में पारदर्शिता को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी संचालनालय का घेराव करने के लिए निकलेंगे। संवाददाता सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, इससे पहले भी ये तमाम अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसका भी ज्यादा कुछ असर होता दिख नहीं रहा। अब संचालनालय का घेराव करने की तैयारी में है, क्या स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, शिक्षक अभ्यर्थी जो है अब सरकार को फिर से एक बार घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना दिया था और सरकार से ये मांग की थी कि जो है जल्द से जल्द भर्तियां की जाए, क्योंकि बीते एक साल से ये भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो रुकी हुई थी। इस वजह से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया था। शिक्षक अभ्यर्थियों के धरना से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते के भीतर जो है भर्ती की प्रक्रिया वो पूर्ण हो जानी चाहिए, जिससे लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में काफी उत्साह भी था, लेकिन अब फिर से एक बार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। इसे लेकर के भी जो है काफी लेट लतीफी की जा रही है, विभाग के द्वारा भी काफी लेट लतीफी की जा रही है, जिसे लेकर के एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में आक्रोश हुआ है। और इसके बाद जो है आज भी जिस तरह से हम मार्च से लेकर अभी तक की स्थिति देखते हैं तो कोरोना काल चल रहा है और लंबे वक्त तक लॉकडाउन 3 फेज में भी लगा रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना ने रफ्तार को धीमा ही नहीं थाम कर रख दिया है, तो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से भी लेट लतीफी हुई है, क्या ये अभ्यर्थी नहीं समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से ही लेट लतीफी हो रही है और ये चीज अभ्यर्थी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक हफ्ते के अंदर ही जो है भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए थे और उसके बाद से विभाग से आदेश आया था कि सत्यापन की प्रक्रिया भी दोबारा से शुरू होगी, जिसकी वजह से काफी इस प्रक्रिया में नजर बनाए रखिएगा। सुप्रिया, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।